आज हम पचमढ़ी में जटाशंकर मंदिर की ओर चल पड़े हैं। ये कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करके आना होता है पैदल यात्रा करके। इसके बाद यहाँ बीच बीच में सीढ़ियाँ मिलती हैं और कहीं कहीं पर हमें सीधे ही चलना होता है। यहाँ एक बड़ा घंटा लगा है, यहाँ से मंदिर की शुरुआत होती है। ये मंदिर दोनों तरफ पहाड़ियों के बीचों बीच बना हुआ है। कहा जाता है कि भस्मासुर नामक राक्षस से बचने के लिए, उससे छुपने के लिए शंकर भगवान यहाँ आकर छुपे थे। उन्होंने ही उसको वरदान दिया था कि वो जिसको भी, जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और वह राक्षस बाद में शंकर जी के ही पीछे पड़ जाता है कि उनको ही भस्म करेगा। तो उससे बचने के लिए वो यहाँ इस स्थान पर आए थे। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर ही भगवान शंकर ने रूप बदलने के लिए अपनी जटाओं का भी त्याग किया था। और इस भस्मासुर नामक राक्षस का वध उसके स्वयं के ही हाथों हुआ था। उसके लिए ये ऐसी कथा कही जाती है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उसके साथ नृत्य किया था और नृत्य करते करते उन्होंने अपना सर, अपना हाथ अपने सर पर रखा। ठीक ऐसा ही भस्मासुर ने भी किया, जिससे वह भस्म हो गया। यहाँ दोनों चट्टानों के बीच, दोनों पहाड़ियों के बीच एक चट्टान का बहुत बड़ा पत्थर बीचों बीच फंसा रहता है। ये बहुत पुराने समय से फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक ये कभी नीचे किसी के ऊपर नहीं गिरा है। ये यहाँ हमेशा ही फंसा रहता है। और इन पहाड़ों से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, जो प्राकृतिक तरीके से इन चट्टानों से रिश्ता रहता है। यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ हैं, जिन्हें आते जाते लोग दाना या प्रसाद डालते रहते हैं। यहाँ और नीचे की तरफ चलते हैं तो प्राकृतिक तरीके से बनी हुई मूर्तियाँ, या जिन्हें हम कह सकते हैं कई प्रकार की आकृतियाँ हैं, जिन्हें ही लोग आस्था के साथ पूजते हैं, इनकी पूजा करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। इसके बाद यहाँ साइड में चट्टान के नीचे झुककर निकलना होता है। यहाँ भी कुछ आकृतियाँ हैं जो ईश्वर स्वरूप माने जाते हैं, तो उनकी सभी वंदना करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। और यहाँ से परिक्रमा करते हुए, चट्टानों के नीचे से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ धीरे धीरे चलना होता है, यहाँ पानी भरा होता है, सबके पैर पानी में डूब जाते हैं। यहाँ ये दूसरी तरफ से बाहर निकलते हुए ये वो हिस्सा है जहाँ पर चट्टान फंसी हुई थी दोनों पहाड़ियों के बीच, वहाँ से बाहर आते हैं। इसी के दूसरी तरफ गणेश और शंकर भगवान की प्रतिमाएं स्थापित हैं। धन्यवाद।